लो चाची, आज ना शांति सदन में बहुत ही मजा आ रहा है। काम कर रही हो? अरे हाँ चाची, आज पहली बार हमने मामी का रुद्र रूप देखा है। ये पहली बार कौन ऐसा है जो कि अम्मा जी से टक्कर ले रहा है। भैया अब तो गजब तमाशा हो गया होगा रे। हाँ चाची, कहा बताए, हम तो मामी जी के बहुत ही बड़े फैन हो गए हैं। हाँ भैया जी के लिए हमको थोड़ा सा बुरा लगा, पर नौटंकी तो नौटंकी है। अब एक काम करो, फटाफट यहाँ भाग के आ जाओ। हाँ बस तुम बोलो और हम दौड़े चले आएंगे। हाँ हाँ जल्दी जल्दी रखते हैं। बुराई कर रही थी हमारी? अरे नहीं मम्मी जी, अरे हम कहे बुराई करेंगे भला। बस बस ज्यादा भोली मत बनो, हम सब सुन चुके हैं। कहाँ सुन चुकी है? आपको ऐसा कहे लगता है कि हम अपने घर की बुराई करेंगे? अरे सटाप, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, बस चाची का फोन आया था, हम उनको ये बता रहे थे कि यहाँ बहुत बढ़िया पूजा चल रही है और कुछ नहीं कहा हमने। अब बॉम पर मतलब दादी के झूले पे बैठे हो, या फट जाएगा तो? निम्मी चुप कर ना, घर का ऐसा माहौल है और तुझे झूले की पड़ी है? तू पागल है क्या? हाँ तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। सच में भैया, मम्मी का इतना खराब मूड मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस घर में। ये सब ना जानबूझकर इस शशिकला ने किया। मैं तो अपना मुंह बंद रख, दूसरा मौका मत दे उन्हें। रिया जी, बेटा ऐसे रोते नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, रोना बंद करो। मामी जी मैं कोई शिवम के दुश्मन हूँ क्या, क्यों उसके लिए बुरा चाहूँ? सच कह रही हूँ, मैंने पूरे दिल से व्रत रखा था। साहिल ने आके मुझे गलती से गुजिया खिला दी, तो इसमें मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है? देखो तुम रो मत, शांत हो जाओ। वो कहा है ना, जी जी अभी बहुत गुस्से में है, और अब तुम कुछ भी कहोगी ना तो बात बहुत बिगड़ सकती है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तो इस वक्त ना शांत रहने में समझदारी है। हाँ जी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालो। शिवम की सेहत का इतना ही इलाज था तो एक उपवास निभा लेती बहुत। एक दिन के लिए सिर्फ भूखा रहने को बोले थे ना, बाहर तोड़ने को बोले थे हम। हरतालिका तीज के त्योहार का सत्यानाश कर दिया तुमने। अम्मा जी हम गलत किए का? हाँ गलत नहीं, मतलब इतनी जोर से चिल्लाए हम रिया के सुपर गर्म हो गए तो का रसगुल्ले ठूसोगी उसके मुंह में? वो अपनी जगह पे सही है, घबरा मत, अब सास बनिए तो थोड़ा कठोर बनना पड़े हैं। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि शिवम किसका पक्ष लेगा। अरे हम तो इतना दंग रह गए आवाज सुन के शिवम की, हम तुम्हारा पक्ष भी ना ले सकते। बड़ी चिंता हो रही, दो ही दिन हुए लुगाई के पल्लू से बंद गया छोरा है, हम तो जैसे कच्छू नाई। माँ मेरी बात तो सुनो। बोलो बोलो
बोलो जोरू के गुलाम, आज तो हमारे कान के पर्दे फट जाए ना, उतनी जोर से अपनी अम्मा को भी माफी मांग तू। शर्म नहीं आती लुगाई के सामने अपनी अम्मा का अपमान करता है? कुछ तो सीख अपने बाप से। भारी बुलेट राजा हैं? ऐसे तो मम्मी 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 करते रहते हो, और जब अपनी अम्मा का पक्ष लेने का समय आया तो पतली गली लिए सड़क गए तुम तो हैं? अपनी लुगाई का पक्ष लिया और अम्मा का अपमान किया तुमने। थोड़ा समझा लो रिया जी। अरे क्या हुआ, काहे टेंशन ले रही हैं आप? जी, बाहर जो कुछ भी हुआ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर हमको एक बात बताइए, माँ आपकी क्या गलती थी? लेकिन बिना वजह के इतना बड़ा तमाशा तो हमारे नाम पे हुआ ना। नहीं नहीं, नहीं। अच्छा एक बात सोचिए, आप कितनी ज्यादा भाग्यवान हैं, शिवम भैया आपके साथ खड़े हैं, कितना समझते हैं आपको, आपको ये बात के लिए खुश होना चाहिए ना। तो बस ये रोना धोना बंद करिए, चलिए हमारे साथ कमरे में बैठ के शांति से बैठो। हाँ दुई दिन हुए नहीं लुगाई तुम्हारे कमरे में आई, रंग ही बदल गए तुम्हारे तो। जा यहाँ से, तू जैसे पल्लू में बंदे पति परमेश्वर की सकल भी नहीं देखनी हमें, निकल। अब तुम्हारे लाने ही झगड़ बैठे हम, तुम्हारी लुगाई से ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफी मांग लेते हैं हम उसकी। अरे अरे माँ, कैसी बातें कर रही है आप? आपसे पहले कहा था कि मुझे ऐसी किसी मुसीबत में मत डालना जहां से मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाए। हमने मुसीबत में डाला था वो? हमको कुछ नहीं बोलना है शिवम, जाओ यहां से। बस एक बात का ध्यान रखना, सोचना ही बात की, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी जगह होते तो क्या करते? गलती हो गई हमसे, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। आप जैसा कहोगे वैसा होगा, आप टेंशन मत लो। ए, कान के पट खोल और हमारी बात सुन ले, अभी सब जाके अपनी लुगाई के सामने उल्टी मत करना। पूजा है बाहर और तमाशे नहीं चाहिए सबके सामने।